जय हिंद ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन सिविक्स ऑनलाइन क्लासेस। नाउ टुडे वी डिस्कस क्लास 7 चैप्टर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। इन दिस वीडियो वी डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर ग्रोइंग अप इन समोना इन द 1920s। इस चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में टू एरियाज की स्टोरी दी गई है कि वहाँ पे गर्ल्स के साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो आइए सबसे पहले हम समोना आइलैंड के बारे में देखते हैं। द समोना आइलैंड आर पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। जो समोना आइलैंड है ये एक लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड साउथ का पैसिफिक ओशन का एक छोटा सा स्मॉल सा आइलैंड है। इन द 1920 अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट ऑन समोना सोसाइटी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। 1920 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो समोना सोसाइटी के बच्चे थे ये स्कूल नहीं जाते थे। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years old टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बड़े बच्चे होते थे मीन्स वो 5 years तक के बाद अपने छोटे भाई बहनों को मीन्स संभालते थे। एंड बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years old ही ज्वाइन द ओल्डर बॉयज़ इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग प्लांटिंग कोकोनट्स एट्सेट्रा। जब कोई बॉय 9 years का हो जाता था तो वो अदर जितने भी बड़े उससे बड़े बच्चे होते थे बड़े बॉयज होते थे उनके साथ जाके वो फिशिंग करना प्लांटिंग कोकोनट ये सब सीखते थे। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू एरेंड्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स। और जो गर्ल्स होती थी वो अपने छोटे भाई बहनों को देखती थी घर में घर का हाउस होल्ड जो वर्क होता था वो करती थी। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स आल्सो वेंट टू फिशिंग ट्रिप्स वर्क इन द प्लांटेशन लर्न हाउ टू वीव बास्केट। और आफ्टर 14 ईयर्स के होने के बाद जो गर्ल्स होती थी उनका वर्क था वो भी जाके फिशिंग पकड़ना फिशिंग के वर्क करना एंड फिशिंग ट्रिप से जाना साथ ही प्लांटेशन कोकोनट को कैसे लगाया जाता है और हाउ टू वीव बास्केट और बास्केट वीविंग का वर्क सीखती थी। नाउ द नेक्स्ट स्टोरी ऑफ मध्य प्रदेश ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल। मध्य प्रदेश में 6 के बाद जितने भी जो बॉयज़ और गर्ल्स होते थे वो सेपरेट स्कूल में जाते थे मीन्स को एजुकेशन नहीं थी। गर्ल्स के लिए अदर स्कूल था और बॉयज़ के लिए अदर स्कूल था। द गर्ल्स स्कूल हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन सेक्लूजन एंड सेफ्टी फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड। जो गर्ल्स का स्कूल होता था वो सिटी के बीच में होता था जिससे उनकी बाहर की जो दुनिया है उससे उसकी सेफ्टी रहे। बॉयज़ स्कूल डिड नॉट हैव सेपरेट इनक्लोजर। और जो बॉयज़ का स्कूल होता था वो उनके गर्ल्स के स्कूल के पास नहीं होता था। एंड द बॉयज़ यूज्ड द स्ट्रीट एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग टू प्ले एंड ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाइसाइकिल। जो बॉयज़ होते थे उनके पास प्लेग्राउंड नहीं था वो क्या करते थे रोड पे ही अपना साइकिलिंग करना अदर ट्रिक्स करते थे। गर्ल्स के लिए उनके स्कूल में प्लेग्राउंड जैसी चीज़ें होती थी जिससे वो बाहर ना निकले अपना एक सेफ्टी के तौर पे अपने स्कूल में ही रहे। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट्स इन ग्रुप बिकॉज दे आल्सो कैरीड फियर्स टू बींग टीज्ड और अटैक। जो गर्ल्स होती थी वो स्कूल से घर तक हमेशा ग्रुप में जाती थी बिकॉज उनको जो बॉयज़ होते थे वो परेशान करते थे टीज करते थे और इस रीज़न से फॉर सेफ्टी वो हमेशा ग्रुप में जाती थी। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर। थैंक यू, जय हिंद।